राजनीति में चुनाव एक त्योहार है और रैली त्योहार की शोभा में चार चांद लगाने जैसा। बता दें कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान में हुए बम ब्लास्ट मामले को याद करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, राजस्थान बम ब्लास्ट मामले में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा और इस आपराधिक घटना में शामिल सभी दोषियों को जेल से छुड़वा लिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस आतंक के मास्टरों को बचाती है और कुशासन की राजनीति करती है, इसी कारण कांग्रेस ने अपने दशकों के जनविश्वास को खो दिया है। राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ। राजस्थान में कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया कि धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए।